एक आखिरी पपीता का स्लाइस बचा था तो मैंने सोचा कि आज नाश्ते में पहले वही काट लेते हैं। तो नाश्ते में है फ्रूट्स यानी पपाया, उसके बाद हम तैयारी करेंगे लंच की। तो लंच में मैंने सोचा है कि आज बनाएंगे मूंग की दाल, चावल और आलू का भुजिया। पपीता बच्चों को बहुत पसंद आता है तो मैं अक्सर ये लेकर आती हूँ मार्केट से लेंगे, तो मैं अक्सर कुकर में ही धो लेती हूँ। लोग अलग अलग कंटेनर में धोते हैं, बट मैं थोड़े यहाँ पर लेज़ीपना करती हूँ कि मैं उसी में कुकर में ही चावल या दाल धो लेती हूँ। लकीली ऐसा कुछ आज तक मिला नहीं है, यानी कंकड़ और ऐसे किए वो पत्थर वत्थर नहीं मिले हैं। इसमें हम डालेंगे अब मसाले, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। ये मैं पहले लाल मिर्च नहीं डालती थी, फिर मैंने डालना शुरू किया। मैंने देखा अपनी सासू माँ को, वो ऐसे ही बनाती हैं दाल, मसाले सारे पहले डाल देती हैं वो कुकर में पकने के लिए दाल के साथ। यहाँ पे हमारा दाल पक रहा है, छोटे वाले कुकर में ही दाल बनाना सही रहता है मेरे लिए, बिकॉज़ खाने वाले लोग ही कितने हैं। और फिर चाय बना दिया हमने, बिकॉज़ काफ़ी सुबह मैंने काम शुरू कर दिया था खाना पीना का। और ये है अदरक लहसुन। अब अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, मैं ख़रीदना भी नहीं चाहती, बिकॉज़ मैंने न्यूज़ में देखा था कि कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो मैंने सोचा कि चलो घर में ही इसको कूच काच के तैयार किया जाएगा, अदरक और गार्लिक को। तो ऐसे ही खड़ा खड़ा थोड़ा कूच लिया है। और यहाँ पे हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं, टमाटर है नहीं हमारे पास, तो हमने सोचा कि प्याज और अदरक लहसुन से ही तड़के का काम किया जाएगा। यहाँ पे हमारा तड़का तैयार है, बस गरम मसाला डालेंगे और बस इसमें दाल हमें पलट देना है। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऐड करके इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट। फिर आलू काटने की तैयारी शुरू करते हैं। तो आलू काट रहे हैं भुजिया के लिए, क्योंकि बच्चों को भुजिया बहुत पसंद है। ऐसे खड़ा खड़ा रहता है तो उठा के खा लेते हैं और लगता है कि चलो ठीक है कुछ तो खा रहे हैं प्लेट से, तो बस ऐसे लंबा लंबा काट देते ताकि थोड़ा खाने में और ऐसे प्लेट्स उठाने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा उन लोगों के लिए। मेरे पास है कुकर है तो कुकर में ही काट रही हूँ, क्योंकि सामने यही बर्तन मुझे खाली दिखा तो मैंने सोचा इसे मैं काट के धो लेते, उसके बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे उसको। तेल में बस जीरा और मिर्च डालते हैं और उसके बाद हमें आलू ऐड कर देना है, हल्दी और नमक। बस ये चीज़ डलती है हमारे आलू के भुजिया में। ये ऐसे खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आप इसको गरम गरम पराठे के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ या चावल दाल पे खाओ, तो मुझे लगता है कि इससे हल्का और सबसे ईजी सिंपल और कुछ हो नहीं सकता है। तो बस हमने हल्दी और नमक डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे और भुजिया हमारा तैयार हो जाएगा। और मज़े की बात है, कई लोग इसको कहते हैं पीले आलू, कुछ लोग कहते हैं जीरे वाले आलू, हम तो नॉर्मल कहते हैं भुजिया, लेकिन कई जगह कई नाम है इसके, आलू वाली भुजिया, सॉरी आलू की भुजिया, पीली भुजिया, जीरे वाली भुजिया, जीरा आलू, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और अब मैं जा रही हूँ कुछ काम से बाहर, वो मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट मैं जा रही हूँ ऑटो से मेट्रो स्टेशन तक। हम लेंगे मेट्रो और उसके बाद हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो इन लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, तो बीच में ही लाइक यू नो रोड से बराबर कर दिया है इसको ट्रैक को, वरना पहले ऐसे घूम के चढ़ के जाना पड़ता था, थोड़ा इजी है बट दैट्स फाइन। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी जगह जहाँ मुझे जाना था, वहाँ जाके एक स्वागत हो रहा है हमारे पानी का बोतल से। अभी काम हो गया है, अब हम जाएंगे वापस। तो मैंने सोचा कि कैब बुक कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में 2 घंटे लग जाते हैं, अगर मेट्रो से मैं वापस जाती तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, ऊपर से इट्स लाइक आप कुछ काम भी नहीं कर सकते ऑफिस का। सिंस इट वाज फ्राइडे, इट वाज वर्किंग डे, तो मैं थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं वैसे भी वर्क फ्रॉम होम पे हूँ और अगर ढंग से काम नहीं किया तो फिर क्या किया। और लौटते वक्त हमें मिला ये विधानसभा यानी विधान सौधा, बैंगलोर में कहते हैं विधान सौधा, और मैंने पहली बार विधानसभा का ऐसे देखा है स्ट्रक्चर। टीवी में कई बार एक आध जगह देखा था, बट ये देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा है इसका पूरा जो डिज़ाइन है। ऊपर से घूमने की जगह है यहाँ पे, आई वुड से टूरिस्ट स्पॉट है, लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, वीकेंड स्पेंड करने आते हैं यहाँ पे, अच्छी जगह है घूमने के लिए। और रास्ते में मुझे एकदम ख़तरनाक मोशन सिकनेस हो गया था, मुझे लगा था कि शायद मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं वॉमिटिंग करने लगूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं ठीक ठाक घर पहुँच गई अपने। जब से अजय का एक्सीडेंट हुआ तब से हम कहीं बाहर जा नहीं पाते, कुछ भी है वो ऑनलाइन ही आता है, चाहे घर का राशन ही हो जाए, कोई भी सामान हो। तो मैंने ये लिया था मीशो से, वैसे तो मैं पूरे वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करती रहती हूँ, चाहे वो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, कुछ भी हो,
तो मुझे मीशो पे ये बहुत पसंद आया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं ये लेती हूँ। और जब मैंने लिया तो ये वाकई लाइट वेट था और बहुत